दोस्तों मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आए हैं शफीक जी, और उनके साथ लंदन से हमारे एक दोस्त आए हैं स्पेशली ये शो देखने के लिए, मनीष पटेल जी जो म्यूज़िक लवर हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ पर आए हो, तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे नगमे सुनाएं। तो आइए दोस्तों अगला गाना लेकर आ रहे हैं भाई, इतने सारे हिंदी गाने चल रहे हैं तो मराठी तो बनता है ना, तो और वो भी हमारे रफीदा की आवाज़ में, आ हा हा क्या बात है। तो गाने के बोल है शोधिशी मानवा, और लेकर आ रहे हैं हमारे कमरुद्दीन। दोस्तों ये पहली बार आ रहे हैं स्टेज पर, तो प्लीज़ तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए, और अगर गाते गाते कुछ छोटी सी गलती हो जाए तो प्लीज़ बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे प्यारे कमरुद्दीन भाई, इनका सरने में जलगावकर, और ये क्रिमिनल कोर्ट में सर्विस करते हैं, और रिहर्सल भी नहीं किए लाइव पे, अभी दिल में इतना डर डर के मुझे बोल रहे, सर मुझे ज़रा रिलैक्स होने दो तभी मैं मेरा गाना रख पाऊँगा। तो कुछ भी हमारे कमरुद्दीन भाई से गलती हो, एक बार ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था शोधिशी मानवा, ये भी हमारे सरगम के रफ़ी साहब ही समझो, आप आशीर्वाद दीजिए उनको। हमारे कमरुद्दीन भाई वही गीत रफ़ी साहब का शोधिशी मानवा आपके सामने रखने वाले हैं। कमरुद्दीन भाई आपके लिए एक शेर बनता है कि दरे नूरी से ज़माने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है। दरे नूरी से ज़माने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है, और उसको साए की ज़रूरत नहीं है सहराओं में, जिसको दिन रात अपने माँ बाप की दुआ मिलती है, जिसको दिन रात अपने माँ बाप की दुआ मिलती है। सभी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हौसला बढ़ाया। मैं पहली बार गा रहा हूँ और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, और इसे लिखा है वंदना विटंकर जी ने। बहुत से लोग भूल भी गए होंगे उनको, लेकिन मुझे बहुत उनके गाने अच्छे लगते हैं, और इसको संगीत दिया है श्रीकांत ठाकरे साहब ने, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। मैं कोशिश करूंगा कि इंसाफ कर सकूं। शोधिशी मानवा रावड़ी मंदिरी नांद तो देवहा आपल्या अंतरी शोधिशी मानवा रावळी मंदिरी मेघ दाटती
वाह 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 कमरुद्दीन भाई बगा तिकड़े काय देखो पब्लिक में से क्या आवाज आ रही इधर आओ डरो मत वो बहुत उनका बदन है ना उनका बदन थर थर कांप रहा है रुको 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 कमरुद्दीन भाई एक शेर फिर से आपके लिए बनता है कि कैसे कहूँ कि मेरा दोस्त कैसा है कैसे कहूँ कि मेरा दोस्त कैसा है ये चांद के जैसा नहीं चांद इसके जैसा है धन्यवाद धन्यवाद एक मिनट हाँ सर जी मयूरेश तबल्यासाठी जोरदार टाळ्या मयूरेशसाठी खूप छान मस्त किसी को भी उसके कद का गुमान था किसी को भी उसके कद का गुमान था वो जमीन पर खड़ा था आसमान में उसका गुमा था लेकिन वो सर झुकाए खड़ा था बघा लो तुम्हाला एक सांगणं आहे कि मोहम्मद रफी सारखे सिंगर मराठी इतके स्पष्ट इंद्रायणी शब्द इतर कोणत्या सिंगरने म्हटलं असतं तर इंद्रायणी झालं असतं पण आत्ता पण या सिंगरने इतकं सुंदर ते इतकं छान त्यांचं प्रनाउन्सिएशन होतं अरे कशाला तो जातीपात हवाय संगीत सगळ्यांना जोडतंय प्रत्येक जाती धर्माला जोडतंय जे जात करतात ते कलाकार नाहीत त्यामुळे कोणत्याही जाती धर्माविषयी कोणीही बोलायचं नाही जे काय आज आपल्याकडे चाललंय ना दॅट इज रिअली व्हेरी बॅड दॅट इज रिअली व्हेरी बॅड आणि मयुरेशसाठी पुन्हा एकदा टाळ्या